की व्यवस्था सही कराना। अच्छा, सरैनी इलाके की मैं बात कर लूँ, वहाँ पर वाटर लेवल डाउन है। यहाँ पर ज्यादातर सैंपलिंग में शिकायत आती है कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर हड्डियों की बीमारी से बच्चे जन्म लेते हैं, इस पर आपका ध्यान किस तरीके से जाएगा? नहीं, वहाँ जो है गहरी बोरिंग करा करके वहाँ नलकूप की व्यवस्था लगभग हमारे ख्याल से 150 नलकूप वहाँ प्रस्तावित हैं, जिसमें कुछ लग चुके हैं, कुछ लगने। कब तक हो जाएगा सर? अब ये सरकार के पास जितना फंड आया उसने दिया है, बाकी जैसे ही आएगा तत्काल उसको लगवाया जाएगा। आप समाजवादी पार्टी से, संगठन स्तर पर क्या तैयारी है? कन्नौज में जो कांग्रेस ने सपोर्ट करा, क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे रायबरेली में? डमी कैंडिडेट उतारेंगे या फिर निर्विरोध? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रश्न है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे ही मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा उतारेंगे, चाहते हैं वो। अगर उतारेंगे तो कांग्रेस कैंडिडेट कैसा हो, सोनिया गांधी के टक्कर का हो पाएगा कि? बिल्कुल, सोनिया गांधी से अच्छा कैंडिडेट होगा। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैंडिडेट उतारा तो हम पहले भी कांग्रेस को हरा चुके हैं, फिर हराएंगे। हमने एम्स के लिए जमीन दिया है, हमने महिला विश्वविद्यालय कोऑपरेट किए हैं कांग्रेस से। कांग्रेस कोऑपरेट नहीं किया, हमने अपने जनपद के विकास के लिए हमने सहयोग दिया और हमारी सरकार ने सहयोग दिया। अच्छा, कैसा कैंडिडेट हो? मजबूत प्रत्याशी होगा। पक्का डमी कैंडिडेट तो नहीं होगा? या आप जी न्यूज पे बोल रहे हैं? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का। सर, आप, मैं समझ गई आपकी बात है कि कन्नौज के बदले रायबरेली का। वो बीएसपी के मैं बात करूँ, आपकी सरकार पर आरोप लगते हैं कि जब आपकी सरकार रही यहाँ पर बिजली की समस्या लगातार रही, समाजवादी पार्टी के मुकाबले थोड़ी बहुत बिजली समाजवादी पार्टी भी दे रही है। अब बीएसपी, पहली बात तो ये बताइए, कैंडिडेट उतारेगी कि नहीं? हाँ या ना? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने रायबरेली जनपद में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट श्री प्रवेश सिंह को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। क्या वो डमी कैंडिडेट है, मजबूत कैंडिडेट? और आपके मुद्दे क्या है? बिजली सबसे ज्यादा। बहुजन समाज पार्टी अपना मजबूत कैंडिडेट उतारा है और बहुजन समाज पार्टी की करनी और कथनी में अंतर नहीं होता। बीएसपी के लिए रायबरेली जीतना कितना आसान है और कितना टफ है? बहुजन समाज पार्टी के लिए रायबरेली जीतना बहुत आसान है। अच्छा, ठीक है, आप कांग्रेस से ही बात कर लेते हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँ, कौन लड़ रहा है इस बार चुनाव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी? हमारी सांसद सोनिया गांधी जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अगर सोनिया गांधी जी लड़ेंगी तो हम लोग सोनिया गांधी जी के साथ हैं। अगर कांग्रेस का निर्णय हो गया कि सोनिया गांधी जी नहीं, प्रियंका गांधी जी लड़ेंगी, तो हम लोग। आप भी अगर पे आ गए? हाँ? नहीं, अगर का कोई औचित्य नहीं, राष्ट्रीय, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है कि वो। अच्छा, ठीक है, युवा चाहते हैं प्रियंका गांधी लड़े और सोनिया गांधी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। फूलपुर में जो पोस्टर बैनर लगे उससे आप भी परिचित होंगे? नहीं, हम फूलपुर के बैनर से परिचित नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि सोनिया गांधी अस्वस्थ अगर होती तो पार्लियामेंट से लेकर के अभी बीते चुनाव में हर जगह गई। अस्वस्थ होना ये मीडिया की खबरें हो सकती हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी कहीं अस्वस्थ नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है और शुभचिंतक हो सकते हैं सोनिया गांधी के, कि उनकी उम्र ज्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अस्वस्थ होने और उम्र दराज होने में बहुत अंतर, मतलब ये लगभग कांग्रेस ने यहाँ पर काम किया है, क्योंकि इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, सबका ये कर्म क्षेत्र रहा है अपने विकास कार्य के। लेकिन उसी के उलट एक हकीकत ये भी है कि विकास कार्य से असंतुष्ट होकर सोनिया गांधी खुद FIR कराने जाती है। क्या एजेंडा है इस बार? आपका कहना भी सच है, रायबरेली जनपद में जब सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ने आती हैं तो यहाँ पर न समाजवादी पार्टी होती है, न बहुजन समाज पार्टी होती है और न ही भारतीय जनता पार्टी होती है। कॉन्फिडेंट है कि सोनिया गांधी निर्विरोध जीतेंगे? एकदम 100% निर्विरोध जीतेंगे, इसमें कोई दो राय। ठीक है, मैं बीजेपी से बात करूं सर, नगर पालिका विधानसभा चुनाव में कहीं दिखे ही नहीं आप, क्या क्या दिक्कत क्या हो गई? देखिए, ऐसा है, सब समय काल परिस्थितियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली में सांसद रहा, MLC रहा, नगर पालिका का चेयरमैन रहा, हमारे 4-4 MLA रहे हैं इसी रायबरेली जनपद में, और अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता। अच्छा, आपके कैंडिडेट तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है, जितनी भी VVIP कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की, उसमें रायबरेली में खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड हर चीज तय करती है, हमारी पार्टी व्यक्तिवादी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे? हर चुनाव में खड़ा होता था, आपकी भी खड़ा होगा। लेट तो नहीं हो जाएगा पर्चा भरने में? नहीं 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 नहीं, आप बताइए, अगर आपके पास ऐसा कोई उदाहरण हो तो एक उदाहरण आप बताइए। कन्नौज, आप रायबरेली का उदाहरण दीजिए। आप उदाहरण की बात करें, मैं कन्नौज से जा रही हूँ। आप रायबरेली का उदाहरण दीजिए। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि आपने बोला कि आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे, कैसी शख्सियत होगी, क्या एजेंडा होगा? पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी एजेंडा भी।
नहीं नहीं, एजेंडा तो विकास का एजेंडा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार से मुक्ति पाना चाहता है और देश एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहता है। आप मानते हैं ना रायबरेली बीजेपी के लिए चुनौती है? संगठन लेवल पे मानते हैं ना? चुनौती तो है। नहीं, चुनौती है, हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। और अब की बार जैसे कि पूरा देश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, 272 में एक सीट रायबरेली की भी जाएगी, हमारा ऐसा विश्वास है। ठीक है ठीक है, 272 प्लस। हाँ, आम आदमी पार्टी से मैं बात कर लूँ, अमेठी पे कुमार विश्वास गए, जब से वो आए केस दर्जी होते चले जा रहे हैं, उन पर वापस भी गए। मैं रायबरेली पे आम आदमी पार्टी का एजेंडा आप हमारे चैनल के माध्यम से साफ करिए, क्या होगा? रायबरेली में जो जनता कहेगी, आम आदमी जो कहेगा, हमारा एक पर्चा 1,70,000 ये बढ़ चुका है। अच्छा। हम जनता से समस्याएं पूछ रहे हैं कि आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, क्या फीडबैक मिला आपको? हाँ, बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि सरेनी क्षेत्र की एक बच्ची ने मुझे लिख के भेजा, मुलायम सिंह जी के जो उन्होंने लैपटॉप बांटे, कि अगर इसकी जगह वो शायद इन्वर्टर बांट देते तो शाम को हम 2 घंटे बिजली चार्ज करके पढ़ लेते। आपका कैंडिडेट कौन है? मेरा नाम बताइए। देखिए, मेरा कैंडिडेट भी अभी यहाँ कोई नहीं है, नॉमिनेशन हमारे जा चुके हैं, ओपन नॉमिनेशन। हम तो जनतंत्र में विश्वास करते हैं और जनता से हमने मांगी है, रायबरेली के बहुत सारे लोगों ने भेजा है, उसमें से जो भी कहीं ऐसा ना हो कि डेट वो हो जाए, आप ऐसे में सर फीडबैक का इंतजार करते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती है सर। सर, रायबरेली के क्या मुद्दे होंगे? आप एक सामाजिक पृष्ठभूमि पर अगर हम बात करें, क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव? मैडम, आपने खुद कह दिया कि रायबरेली में इतने दिनों से विकास हो रहा है, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया, शायद यही जनता भी मान रही है कि ये कागजी विकास की बात की जा रही है। वस्तुतः ये सब कागजी विकास है, छद्म विकास है। कुछ लोगों को महसूस होता है कि विकास हुआ है, वस्तुतः विकास से बहुत दूर अभी रायबरेली। ठीक, इस पर मैं बात करूंगी। चलिए, आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं, फिर जनप्रतिनिधि से समस्या का निराकरण जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ का शिक्षा का मुद्दा उठाते हैं। शिक्षा की मैं अगर बात कर लूँ, रायबरेली की शिक्षा की बात, यहाँ पर निफ्ट है, FDDI है, तमाम बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक सेमी स्किल्ड मैन पावर को स्किल्ड मैन पावर में तब्दील करते हैं, लेकिन क्या प्लेसमेंट मिलता है ये बताइए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर एक ग्रेजुएट लेवल की मैं बात करूं, यहाँ के छात्र को क्या व्यावहारिक ज्ञान में निपुण पाती हैं? आभारी हूँ आपकी कि आपने रायबरेली की जनता से इस शिक्षा की गति और प्रगति के बारे में जानना चाहा है। व्यवहारिक ज्ञान इसलिए भी नील है कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक जब उनको पूरा शिक्षा को पैसा नहीं मिल रहा है, उच्च शिक्षा में देख लीजिए 5,000 से लेकर के 8,000 तक में उनकी बीवी है, बच्चे है, परिवार है। फीडबैक क्या मिलता है आपको? प्लेसमेंट मिल जाते हैं कि नहीं? प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। फिरोज गांधी कॉलेज में भी मैंने 40 साल नौकरी की है। हाँ। उच्च शिक्षा की स्थिति तो बहुत दयनीय है। अच्छा। अध्यापकों का बहुत अभाव है और उस अभाव के कारण जितनी शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए वो पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाती है। अच्छा, यहाँ ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, एम्स, महिला विश्वविद्यालय, इन सब की बात आती है, खुलते भी है, लेकिन उसके बाद भी कमी का रह जाती है। महिला विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात है वो तो अभी केवल कागज पर है, जैसा आपने कहा है, जमीन वगैरह अक्वायर की जा रही है, वो अभी जब आएगा। लेकिन जो यहाँ पर ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खुले हैं, इनमें चूंकि कंपटीशन से एडमिशन होते हैं, तो रायबरेली के एक ही दो बच्चे उसमें एडमिशन पाते हैं, ये प्रेफरेंस नहीं है, ये इम्पोर्टेंट, उसका या प्रेफरेंस होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। ठीक, स्टूडेंट्स की समस्या, स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है कि एम्स, FDDI या निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी समीकरण बैठाने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाते हैं, जबकि वास्तविक धरातल पर यह हकीकत है कि रायबरेली की कितने प्रतिशत जनता को वहां पे आरक्षण मिल रहा है, रायबरेली की कितनी प्रतिशत जनता उससे लाभान्वित हो रही है। मैम, कांग्रेस वालों ने FGIT खुलवाया मैम, अभी हम 2013 के पास आउट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन अभी उन्होंने इस हमारे बैच में एक भी कंपनी नहीं बुलवाई मैम, कोई भी प्लेसमेंट मुद्दा कॉलेज खुला रही है मैम, पर मैम यहाँ के लोकल स्टूडेंट को कितना एडमिशन मिलता है? पलायन हो रहा है बच्चों का। हाँ। जो भी पढ़ते हैं पलायन हो रहा है उनका, सारे बच्चे नोएडा गाजियाबाद जाते हैं, वहाँ पे जाके 8-10 हजार रुपए में नौकरी पाते हैं, उसमें बच्चा 6,000 पे रूम लेके रहता है, खाने के लिए नहीं रहता है, तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा? यहाँ पे उद्योग भी तो आए, कॉलेज आ रहे हैं तो। अच्छा, लैपटॉप तो मिल गया होगा? लैपटॉप से क्या होता है, लाइट तो आए कम से कम चार्ज करने के लिए। दूसरा मुद्दा यहाँ के व्यापार से जुड़ा हुआ है, व्यापार हित पर हम बात कर लेंगे। इंदिरा गांधी के समय में यहाँ पर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी कि जो ना थी, हर इंडस्ट्री यहाँ पर थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई, इस पर बात कर लेंगे, व्यापार हित पे बात कर लेते हैं। बोलिए, हम ITI टेलीफोन फैक्ट्री में काम करते हैं। हाँ। मैडम 10 साल से हाँ। सोनिया गांधी ने लालीपॉप करके इस ITI को एकदम बैठा दिया।
अगर व्यापार की बात की जाए तो इस समय रायबरेली को अगर उद्योगों का कब्रिस्तान कहा जाए अच्छा हाँ। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे जो रिटायर्ड हो रहे हैं लोग वो 58 साल में हो रहे हैं जबकि सारे जगह अच्छा कम्यूट कैसे करते हैं आप लोग? 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की तो हालत एकदम जर्जर है, कम्यूट कैसे करते हैं? कम्यूट कैसे करते हैं आप? मैम एक तो पंडित जी ने कहा आईटीआई के लिए पिछले 10 सालों में एक पैसे का काम नहीं मिला। हमने मजदूर संघ ने अपने नेतृत्व में सोनिया गांधी के घर के सामने धरना दिया, काम के लिए धरना दिया है। हमने पैसा नहीं मांगा है, हमने काम मांगा है। हमको काम चाहिए, काम मिल जाएगा तो उससे कमा करके यहाँ के व्यापार को चलाएंगे और यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। हमारे जो कंपनी के लोग हैं 20 साल पुराना वेतन पा रहे हैं वो नया वेतन पाएंगे। ये जो सपा सरकार है बेरोजगारी भत्ता बांट रही है इससे बेरोजगारों को भला नहीं होगा, रोजगार चाहिए। मैडम मैं मोटर ट्रांसपोर्ट परिवहन का यहाँ का अध्यक्ष हूँ। आज क्या समस्या? इतनी इंडस्ट्री बन रही, परिवहन पूरी तरह चौपट हो गया, सड़कें बेकार हो गई। हरियाणा और दिल्ली पंजाब के केवल परिवहन काम कर रहे, हमारा लोकल का परिवहन व्यवसाय काम नहीं पा रहा, बाहर के ठेकेदारों ने उत्पात मचा रखा। अच्छा बिजली पे बात कर रहे थे, बिजली बिजली पे कौन बोलेगा? एक कितनी देर बिजली आती है आपके घर में, चलिए बताइए बताइए। बिजली तो मैडम यहाँ पर रूरल एरिया में तो 12 घंटे आता है, शहर का टारगेट 20 घंटे का है लगभग। रायबरेली में कहा जाता है 24 घंटे लाइट है, हम ये जानना चाहते हैं 24 घंटे लाइट कहाँ है? रायबरेली के 5 किलोमीटर का क्षेत्र या पार कर दीजिए तो अंधेरा कायम हो जाता है। इस बात से सब सहमत है, रायबरेली के जो युवा है उसको तरजीह दी जाए, क्या प्रयास होंगे आपके? मैडम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ही एक इंसान को इंसान बनाने के लिए काफी नहीं होती है, केवल प्लेसमेंट ही विकसित करने की श्रेणी में। रायबरेली में परचून की दुकान के सहारे, बेडशीट की दुकान, फर्नीचर के सहारे सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप नहीं मानते कि उनके लिए प्लेसमेंट कितनी बड़ी चीज होगी? नहीं ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट ही बहुत कुछ चीज होगी। मैंने आपका ये आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते? नहीं मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानता हूँ, लेकिन अगर एक लड़के को अच्छी शिक्षा दी जाए तो क्या ये विकास की श्रेणी में नहीं आता? जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा वो कहीं न कहीं अपने रोजगार की दिशा में स्वयं प्रयास करने लायक तो बन जाएगा। कम से कम यानी कि आपकी शिक्षा व्यवस्था निपुण है? हाँ, प्राथमिक शिक्षा से लेकर तकनीकी। उद्योग धंधे कम्पेरेटिवली दूसरे जनपदों दूसरे लोकसभा से बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है। क्या यहाँ उद्योग धंधे है? बताइए सर। अब इनको उद्योग धंधे दिखाई नहीं देते, आईटीआई आप मुझे ही बता दें। उसके अलावा बताइए सर और अपॉर्चुनिटीज क्या होनी चाहिए? अगर इंदिरा गांधी जी के जमाने से अब तक उद्योग धंधे लगे, तमाम सारे उद्योग लगाए गए, बीच में जो सोनिया गांधी जी और कांग्रेस का कार्यकाल यहाँ पर नहीं था उस पीरियड में यहाँ के सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका ये मानना सही है कि जब गवर्नमेंट बदलती है तो खामियाजा आपके क्षेत्र को भुगतना पड़ता है बिजली के रूप में? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एसपी ऑपरेट कर रही, बीएसपी नहीं करती? ये नहीं, मैं एसपी और बीएसपी के सहारे रायबरेली में सोनिया गांधी जी राजनीति नहीं करती। रायबरेली का बच्चा बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी उनकी इज्जत करते हैं, उनकी त्याग और बलिदान का इज्जत कर रहे हैं सर, लेकिन नाराज भी हो रहे हैं। इज्जत कर रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं। 2012 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं आपसे जानना चाहूंगी बेरोजगारी भत्ता पर ध्यान ना दें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे जनरेट करेंगे, वो भी रायबरेली में? वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बनता है ना, थोड़ा बहुत पैसा केंद्र की तरफ से बहुत आ रहा है। ये जो बेरोजगारी भत्ता इसलिए दिया जा रहा है कि जहां वांस निकले वहां फॉर्म भरने के लिए बच्चों को दिया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता। नीति क्या है इंडस्ट्री डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? अब अभी तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट तो जो अभी फैक्ट्रियां रिलायंस आई है सभी फैक्ट्रियां लग रही हैं। सर वही है, रायबरेली का दुर्भाग्य है कि कार्य प्रगति पर ही होता है, कभी निष्कर्ष नहीं निकलता। मैं आपसे जानना चाहूंगी आईटीआई की समस्या पर आपका क्या ध्यान? आईटीआई की समस्या तो केंद्र सरकार की जनरेट की हुई समस्या है, उस पर हमारे राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जहां तक रायबरेली के विकास की बात है, अभी लैपटॉप की बात इन्होंने किया तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को मोटिवेट करने के लिए हमें आपका छात्र लैपटॉप तो चला ले पहले अच्छे से, बिजली होनी चाहिए हमारा। हाँ उसी पे आ रहा हूँ, हमारा छात्र लैपटॉप चला ले, हम शहर में आप जानकारी कर लीजिए 24 घंटे बिजली देते हैं। आपके यहाँ बिजली प्रॉपर है? सुनिए बिजली एकदम प्रॉपर है। शहर को 24 घंटे बिजली और देहात को 14 घंटे बिजली। मैं समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर चेयरमैन है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे जिले पूरे नगर में जहाँ तक इनका क्षेत्र है गंदगी अपार भरी पड़ी है, कोई भी रोड साफ नहीं है,
और चारों तरफ जो है अतिक्रमण की व्यवस्था है, कोई भी चलने वाली सड़क नहीं है। कांग्रेस और सपा दोनों मिल करके इस देश के बच्चों को केवल मजदूर बना रही। देख लीजिए, जो प्राइमरी स्तर का शिक्षा है वो बिल्कुल गिरी हुई है, जो बड़े घर के लोग वो पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं वो विदेश में शिक्षा बना रहे हैं। बिजली बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए। दो चीजें मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ 5 किलोमीटर के एरिया में बिजली आती है, बिजली बहुत खराब समस्या है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, आम आदमी पार्टी ने अपने उद्घोषणा पत्र में सब चीजें शामिल हम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी अगर सरकार आती है तो अगर मेरा लोकसभा का कोई सांसद भी आता है तो यही NTPC गेट पर जानवर धरना होगा। आप लोग धरना ही करते रहते हैं मैडम, करेंगे और कोई और क्या जनतंत्र में आप क्या कर सकते हैं? नहीं, बात नहीं उठा सकते ना। बीजेपी ही रायबरेली को डेवलप करने के लिए गुजरात को यहाँ लाएगी क्या? गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू होगा। मॉडल चलेगा पूरे देश में, गुजरात मॉडल लागू होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने दीजिए, 60 दिन में विकास दिखना शुरू। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, क्षेत्र की जनता के घर के बाहर चलते हैं, उनके घर की बाहर की समस्या क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे। रायबरेली का सांसद कैसा उसके बारे में जानकारी लेंगे। फौरन लौट रहे, बनी रही हमारे साथ। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है मेरी जान। लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है मेरी जान। लुक है भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई अल्पाइन व्हाइट TVS फीनिक्स 125। ये आपकी नई TVS फीनिक्स, सो और एक राइड मिलेगी। TVS फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। बजाज डिस्कवर 125, DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ ₹47,000 से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार, ओ पढ़ाई वाली जोड़ी। लड़ाई वाली जोड़ी, देखी सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोज अप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ ₹24 में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार का अभिनव कदम विमेन पावर लाइन 1090। अगर किसी महिला को रास्ते में कोई परेशान करता है या फिर मोबाइल फोन से अश्लील संदेश भेजता है तो वुमेन पावर लाइन के टोल फ्री नंबर 1090 पर फोन करें। ये नंबर यूपी में कहीं से भी लगाया जा सकता है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी फोन कॉल्स महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सुनी जाएंगी, साथ ही शिकायतकर्ता को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं है। वुमेन पावर लाइन सेवा 1090 संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। पड़े मुसीबत पुलिस बुलाएं, मदद के साथ सुरक्षा पाएं। आ
या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदे हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शील्ड सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। बिना सोचे कहीं दूर मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब जब ऑफिस की थकान ऑफिस में छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। स्वास्थ्य, इस लोकसभा क्षेत्र का स्वास्थ्य किस तरीके से ठीक हो, आने वाले सांसद को क्या सलाह है? सलाह, स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत लाचार व्यवस्था में है। यहाँ पर मशीन्स लगनी चाहिए, टेक्निक्स और एडवांस होनी चाहिए, और एम्स में होम्योपैथिक डिपार्टमेंट खोलना चाहिए। सर मैडम यही सलाह है कि होम्योपैथी का एम्स यहाँ खुल रहा है, उसमें होम्योपैथी विंग खोला जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, बताइए मैडम। यहाँ पे एमआरआई वगैरह नहीं होना, आप राजीव भाग करके अगर तमाम जिलों में एमआरआई बन गया, लेकिन वहाँ ओनली फॉर सिटी स्कैन, और आए दिन सिटी स्कैन बंद ही रहता है। डॉक्टर साहब खराब हो गया, हमारा टेक्नीशियन नहीं है। हमारी मांगे ये हैं कि जो भी समस्या है, टेक्निकल चीजें हैं, उनको अविलंब तुरंत रायबरेली जनपद में लाने चाहिए। ब्रिटिश जमाने की गवर्नमेंट की सीवर पड़ी है यहाँ, सीवर लाइनें बहुत छोटी हैं, जिससे निकासी नहीं, न जल निकासी के। जिन छोटे छोटे बीमारियों के लिए हमारे लोग जो हैं लखनऊ और इलाहाबाद दिल्ली जाते हैं इलाज के लिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे व्यवस्था में होनी चाहिए। यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, और जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि जो है पूरा शहर साफ है, तो मैं चाहता हूँ पूरे शहर को आप देख लें कितना गंदा शहर है। एक ही डिग्री कॉलेज है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि सही से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। रायबरेली का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए क्या तैयारी है, कैसा रायबरेली आप देखना चाहते हैं संक्षेप में? जैसा रायबरेली चाहिए था वैसा रायबरेली आज की तारीख में हो चुका है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा जनपद नहीं है जैसा रायबरेली है। मेरा सवाल बस ये, कैसा रायबरेली आगे की डेट में आप देखना चाहते हैं? गांधी परिवार का रायबरेली कि रायबरेली वासियों का रायबरेली? नहीं, ये तो गांधी परिवार का रायबरेली भी है और रायबरेली वासियों का रायबरेली है, रायबरेली वासियों का गांधी परिवार है, गांधी परिवार का रायबरेली वासी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पहले से कहा गया है कि जिन पेड़ों में फल होते हैं उनको पत्थर सहने पड़ते हैं। अगर कहीं न कहीं लोग आरोप भ्रष्टाचार का लगाते हैं, कहीं ऐसे लगाते हैं, निश्चित तौर से जो लोग रूल करते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं, जिनके पास कुछ होता है, उन पर ही आरोप लगते हैं। ये शाश्वत सत्य है, आरोप लगाना इनका भी धर्म। जनता से किस तरीके का सपोर्ट मांगते हैं आप? जनता से सपोर्ट हमको मिल ही रहा, मैं कह रहा हूँ जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ने आती है सपोर्ट मिल रहा है, 100% सपोर्ट मिला। इतने से सपोर्ट नहीं होता। आप इसको मत देखिए, सोनिया गांधी की लीड भी तो देखिए। अगर यही लोग तो है जिन्होंने 4 लाख से सोनिया गांधी को जिता के भेजा है। केंद्र में, यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रायबरेली विश्व की छितक पर एक अपना स्थान बनाएगा, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, पीने के लिए शुद्ध पानी होगा, स्कूल में मास्टर होगा, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर होगा, दवा होगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। कैसा रायबरेली? मैं भ्रष्टाचार मुक्त रायबरेली चाहती हूँ। आज रग रग में एक एक अधिकारी, एक एक जनप्रतिनिधि यहाँ जो बैठे हुए हैं रायबरेली के विकास के 70,000 करोड़ लूट चुके हैं, इसलिए मैं भ्रष्टाचार। कैसा रायबरेली, कैसी नगर पालिका, कैसा रायबरेली देखना चाहते हैं आप? हर इंसान अच्छी अच्छी रायबरेली नहीं, अच्छा हिंदुस्तान देखना मैं चाहता हूँ। यानी कि मोहम्मद इलियास आने वाली डेट में इस नगर को चमकाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं? हाँ, हमारी पूरी कोशिश। कैसा रायबरेली समाजवादी पार्टी देखना चाहती है? गदगद है आप, मंत्री भी बना दिया, विधायक भी बना दिया, सांसद बना दिया। समाजवादी पार्टी रायबरेली ही नहीं, अच्छा देश चाहती है। रायबरेली के लिए क्या चाहती है? रायबरेली को विकास चाहती है, विकास। बीएसपी कैसा रायबरेली देखना चाहती है, क्या प्रयास हो रहा है? भाई मुक्त रायबरेली देखना चाहती है बीएसपी। ठीक सर, आप बताइए जी। 10 साल के अंदर 4.25 करोड़ रुपए जो है सांसद निधि का वापस चला गया, और उसके बाद जो है जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो जो है धरातल पे नहीं है, सिर्फ कागजों पे ही योजनाओं का क्रियान्वयन हो। हाँ जी, कैसा रायबरेली आप देखना चाहती है? इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि जैसे बिजली भी यहाँ पर्याप्त है, लेकिन जो है यहाँ पर बिल्कुल सड़कें, शिक्षा कुछ भी नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हैं। आप सबसे जानना चाहूंगी कैसा रायबरेली आप देखना चाहते हैं? कागजों और फाइलों की हकीकत में रायबरेली काफी चमक रहा है, हमें हकीकत जानी। आने वाला सांसद
सब इस हकीकत को जो ध्यान में रखेगा, रायबरेली की जनता के लिए विकास करेगा, सर्वांगीण विकास करेगा, वो ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। ज्यादा फीचर्स रेस्टोरेंट मिलेगा, हमने ऑलरेडी रिजर्व किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्री 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। रोन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। गुडनाइट एवरीवन एक्टिव प्लस, जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे आते मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाँ जी, मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुडनाइट एवरीवन एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। E.ON, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. E.ON LED lighting, energizing smiles. Naya Bajaj Discover 100M. 100cc, 4-valve DTSI engine, jo de 9.3 PS power, matlab power ka. Naya fast hai, naya fast hai, naya fast hai. साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सस्ते है, नया सस्ते है, नया सस्ते है। 84 KMPL की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया बजाज डिस्कवर 100M, माइलेज बाइक्स का। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, रुपहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात देखिए अपडेट अपना रोज रात 9 बजे। प्रायोजक है टीवीएस स्पोर्ट। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। विकास की रफ्तार, सियासत और कारोबार, आम आदमी के सरोकार, कसौटी पर आपकी सरकार, प्रदेश के हर कोने पर हमारी नजर। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार, सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत, देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश।
नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप इंडिया। इस वक्त मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देश के 65वें गणतंत्र दिवस समारोह का आज विधिवत समापन हो गया। समापन के आखिरी दिन होने के वाले बीटिंग द रिट्रीट परेड के शानदार प्रदर्शन के बाद अब सेना वापस अपने बैरकों में चली जाएगी। इस आयोजन के मौके पर राजपथ पर शानदार नजारा देखने को मिला, जहां सेना की टुकड़ियां कदम ताल करते हुए बैंड की धुन पर मार्च करती नजर आईं। राजीव गांधी के हत्यारों को राहत देने के लिए केंद्र तैयार नहीं है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। दरअसल इस मामले में 15 दोषियों के